4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। चरखी दादरी में हमारी मौजूदगी है। पीछे जस्ट आप देख रहे हैं, ये पोलिंग बूथ है। तमाम लोग वोट सुबह से डाल रहे हैं। दूसरा पहर हो चुका है, लगभग 12 बजे का समय है और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं वोट डालकर। हम लोगों से यहाँ मौजूद जो हैं उनसे बात करेंगे कि बड़े मुद्दे क्या रहे और किन मुद्दों पर आज वोट डाल रहे हैं। आज बता दूं, हरियाणा में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है 5 अक्टूबर 2024, जिसका इंतजार पूरा हरियाणा कर रहा था। और दूसरी बात कर ले, पूरे देश भर की नजर इस सीट पर है। शुरुआत सर आपसे करेंगे, नाम क्या हुआ? राधेश्याम। राधेश्याम जी ने देखिए पहले ही दिखा दिया है कि वोट डालाए हैं। क्या मुद्दे रहे, दिमाग में क्या चल रहा था? पिछले 10 सालों के कुशासन से जनता बड़ी परेशान है। जनता को कभी प्रॉपर्टी आईडी के जंजाल में चक्करव्यूह में उलझा दिया गया, कभी फैमिली आईडी के चक्करव्यूह में उलझा दिया गया। पिछले 10 सालों से घर का एक मेंबर तो कम से कम जो है कोर्ट के लिए ही लगा दिया गया है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था शहर के अंदर नहीं है। मूलभूत सुविधाएं भी आम नागरिक को नहीं मिल पा रही है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, जबकि हमारा चरखी दादरी रेवेन्यू देने के अंदर गुड़गांव के मुकाबले में पूरे हरियाणा में नंबर 2 पे आता है। इतनी बड़ी रेवेन्यू हरियाणा सरकार को जाने के बाद भी चरखी दादरी के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं न मिल पाना, यह बीजेपी शासन की कुशासन की दुर्दशा को दिखाता है। लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। बहन मनीषा सांगवान के समर्थन में लोग यहां पर वोट डालने के लिए बड़े उत्साहित हैं। बिल्कुल, तो देख रहे हैं यहां पर शुरुआती दौर में मैं बात करूँ। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा कमल। कमल जी, वोट डाला है कि नहीं? डाले। हमारे कैमरे पहले दिखाएं, वोट डाला है, उंगली दिखाएं अपनी। ये देखिए वोट डाल के आए हुए हैं, पीछे दिखाऊंगा। ये देखिए आप वोट डाल के आए, क्या बड़े मुद्दे थे, किन मुद्दों पे वोट किया? कोई मुद्दा नहीं था जी, मैं खुला पड़ा था, मैं वोट गिर के अपने आ गया। अच्छा, चलिए वोट डाल के आ गया। आप क्या कहेंगे, नाम क्या हुआ? ईश्वर सिंह। ईश्वर जी, वोट डाला है कि नहीं डाले? अभी डाल लूंगा। अभी डालेंगे। दिमाग में क्या चल रहा है ये बता दो। दिमाग में तो कांग्रेस का चल रहा है। अरे मैंने कांग्रेस नहीं पूछा, क्या मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दे वही है, बेरोजगारी, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, फलाना आईडी, दिखड़ा आईडी। देखिए फैमिली आईडी से काफी नाराज, फैमिली आईडी से सुन रहे काफी नाराज हैं लोग। फैमिली आईडी से आज के दिन गवर्नमेंट ने हर आदमी को एक आदमी कोर्ट में खड़े करने के लिए मजबूर कर दिया है। कभी फैमिली आईडी के नाम पे, कभी और किसी नाम पे, कभी हर बार अपडेट कराते रहो। आधार कार्ड साल में 3 बार अपडेट कराना पड़ता है, कभी फ़ोन नंबर अपडेट कराना पड़ता है, कभी और कुछ कराना पड़ता है। और मेन मुद्दा यहाँ पे सीवर का, बिजली का, पानी का और बेरोजगारी का है। बेरोजगारी बड़ा। सर आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था, मैं अपने पुत्र वधू की कास्ट वेरिफिकेशन के लिए 40 चक्कर काटे ADC के दफ्तर में। काम हुआ कि नहीं हुआ? काम तो फिर 40 चक्कर के बाद हुआ, तो क्या फायदा हुआ? एक बार में होना चाहिए था। एक बार, दो बार। मैं सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन हो, काफी परेशान हुआ। वो 3 मंजिल पे चढ़ना पड़ता मेरे को। देखिए जो परेशानी है वो लोग बता रहे हैं। उसी दिन मन बना लिया था इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। तो पिछली बार सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी? पिछली बार बनाई थी, बदलाव भी जरूरी है। जो बदलाव कर रहे हैं, तो देख रहे हैं ये सवाल हैं जो खड़े हैं। सर आप क्या कहते हैं? मैं तो सिर्फ ही सरकार के प्रति एक ही बात कहना चाहता हूं कि इतनी बेउद्देश्य गंदी सरकार आज से पहले हरियाणा प्रदेश में कभी नहीं आई। इतना नाराज क्यों हैं आप? नाराज इसलिए हूं, पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं हो रहा और न ही पूरा पानी उपलब्ध हो रहा। सबसे बड़ी बात तो एक ये है। दूसरी बात ये है, सीवरेज व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि जगह जगह किसी गली के अंदर निकल लो वहीं बुलबुले निकल रहे हैं और कोई किसी प्रकार की तरफ से ना सरकार और ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। इन बीमारियों से त्रस्त होकर आधे आदमी तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, जो कि ये नहीं होना चाहिए था। बरसात का पानी थोड़ा सा बरस जाए तो लबालब हो जाता है शहर। व्यापारी वर्ग को इतना परेशानी उठानी पड़ती है कि पैदल चलना भी नामुमकिन हो जाता है। समस्या बड़ी काफी। और राखा ये सारा शहर खोद के घेर दिया, उसे कोई हल नहीं निकला। उबड़ खाबड़ बना दिए, कहीं इंटरलॉकिंग टाइल ऊंची, कहीं नीची, पैदल चल के भी चक्कर खा के गिर जाते हैं, टक्कर लग लग। सर आप क्या कहेंगे, आपके साथी तो काफी सारी समस्याएं बता रहे, टीका लगा करके आए, सच बात बताइएगा। ऐसा है, सब नवरात्र है, सोच है। हाँ। पहले तो इनसे लोगों से ये पूछो कि आप आज तक पिछले 30 साल में इनको किसी विधायक का नाम पता है?
शायद किसी को नहीं पता होगा, सिर्फ एक नाम का सतपाल सांगवान। उन्होंने अपने राज्य में खूब काम किया था, इतना काम किया था बेहिंता। और बात है पानी की रुकने की, अभी पिछली बारिश के अंदर यहाँ पर दो दो तीन तीन फुट पानी भरा था, लेकिन अब बारिश में शायद दो घंटे भी नहीं लगे होंगे, पानी सारा साफ है। तो व्यवस्था में टाइम, लेकिन ये होता है जो हमारा वर्तमान MLA विधायक है उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो सरकार के ऊपर जाकर वहाँ रखे, अपनी बात रखे, वहाँ के लिए बजट लाए, वहाँ कोशिश करें। आप पूछो किसी से, इनको किसी का नाम भी पता है वो विधायक कौन विधायक रहे आज तक पिछले 30 साल में, सिर्फ एक नाम बताएगा कि हाँ सतपाल सांगड़ो, किसी को पता नहीं वो कौन बना था, कब बना था, किस पार्टी से बना था, क्या काम करा। पर समस्या ऐसा हर जगह होती है, कोई ये कहता है समस्या नहीं होती, समस्या कहाँ नहीं होती, समस्या काफ़ी रही है, रहेगी, आगे भी रहेंगी, क्या पहले नहीं थी, क्या अभी तो आप 5 साल में तो पैदा होगी नहीं समस्या, समस्या तो पहले समस्या लंबे समय से जिसका सोल्यूशन, आबादी बढ़ेगी तो समस्या बढ़ेगी, तो उसका समापन होगा, सब कुछ होगा तरीका। तो देखिए समस्याएं बढ़ी है, इस पर बात होती है। भाई आप युवा हैं, दिमाग में कि वोट डाला है कि नहीं पहले ये बताएं। नहीं, जब डालेंगे डालेंगे। दिमाग में क्या चल रहा है वोट डालने से पहले युवाओं के? वोट युवा बीजेपी को वोट डालेगा। क्या मुद्दे रहेंगे बीजेपी को वोट डालने के? क्योंकि देश हित के लिए हमेशा अच्छे काम हुए। हरियाणा हित के लिए क्या काम होगा? हरियाणा हित के लिए अब के होगा, अब की होगा, पिछले 10 साल में नहीं हुआ है, बहुत हुआ है। क्या हुआ? रोड वगैरह देख लो कितने बन गए हैं, तो बढ़िया काम हुआ, बिना पैसों के नौकरियां मिली हैं लोगों को, तो बिना खर्ची पर्ची की नौकरी। हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या काम करते हैं आप? मैं जी काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, होटल चलाता हूँ। बिजनेस करते हैं, तो देख रहे हैं लोगों से बात हो रही है, अलग अलग मुद्दों पर सभी बात कर रहे हैं, युवा भी बता रहे हैं और यहाँ बुजुर्गों से भी बात होती है, तो तमाम मुद्दे बता रहे हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? राम कुमार। तो राम कुमार जी क्या मुद्दे दिमाग में चल रहे थे? मुद्दे जो कानून हिंदुस्तान में कहीं लागू नहीं है वो हरियाणा में लागू है, फैमिली ID, प्रॉपर्टी ID और पोर्टल, इसने पब्लिक का जीना आराम कर दिया। बड़े नाराज हैं मतलब ये सब योजनाओं से? इन योजनाओं से, उस खट्टर ने जो है ना फैमिली पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं लागू है, ये एक हरियाणा में है, अपने नंबर बनाने के लिए खट्टर ने ऐसी तैसी फेर दी इस हरियाणा की। खट्टर से नाराज है या नायब सैनी से भी नाराज है? बीजेपी से नाराज है, बीजेपी खट्टर की क्या ताकत है, जब उसने ऊपर से कोई आदेश नहीं मिलेगा तो ऊपर उसने अपनी समस्याएं तो बहुत रही है। आपका नाम सर क्या हुआ? मेरी यही समस्या है जो इन्होंने बता दिया, सेम समस्या है। समस्या है बिल्कुल। क्या क्या दिक्कतें आपने फेस की है खुद से? सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है, ID है, फैमिली ID है और ID है, सारे देश का बठा बढ़ा दिया इसने, सारी स्टेट का नाश कर दिया, हिंदुस्तान के नागरिक मतलब वो बना दिए, हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है हम, हिंदुस्तान में पैदा हुए हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, इस सरकार ने ऐसा काम कर दिया। कहीं जाओ प्रूफ दिखाओ, फलानी ID, ये ID, वो ID, इससे पहले ये हिंदुस्तान था ही नहीं, हरियाणा में हमारे माँ बाप पैदा हुए, हमारे दादे परदादे पैदा हुए, इन्हें फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी ID, आधार कार्ड नहीं है, किसी और दूसरी स्टेट के अंदर लागू नहीं है जो हरियाणा के अंदर लागू है। ये सब योजनाएं अगर ना होती तो आज मामला कुछ और होता, और कुछ होता, और कुछ होता, इसमें ये सब आईडी सब गड़बड़ कर, इसलिए ज़्यादा बीजेपी के लोग इसलिए ज़्यादा खिलाफ हैं कि हरियाणा के अंदर जो इन्होंने लागू कर रखे हैं वो बट्ठा बढ़ा दिया स्टेट का। सर इतनी नाराजगी क्यों हो गई अचानक से, इतना सब माहौल एकदम से पलट रहा है? नहीं नहीं, काम होते ही नहीं ना ऑफिसों में काम होते ही नहीं, जाते ADC के साहब जो है ना अभी 1 घंटे बाद मिलेंगे, साहब 2 घंटे बाद मिलेंगे, जहाँ भी जाओ मैंने कास्ट वेरिफिकेशन के लिए चार मतलब मिलते ही नहीं है, मिलते कहाँ है। सर आपका नाम क्या हुआ? हाँ जी, नाम सर आपका? अपना HL अग्रवाल। HL अग्रवाल जी, आज लोकतंत्र का महापर्व है, वोट डाले कि नहीं डाले पहले ये बताएं। डालना चाहिए? नहीं, क्यों डालना चाहिए वोट? आप डाल क्या है? मैं तो डाल खाऊंगा, मशीन खराब पड़ी है। मशीन खराब है? हाँ, 83 नंबर पे वो ठीक है, वोट डालने गए खड़े हुए यहाँ पर, वो बता रहे मशीन खराब है, पर्ची जरा दिखा दे हमारे का। 83 नंबर, ये देखिए 183 नंबर लिए हुए हैं और बता रहे ये पर्ची खराब है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कौन से जगह कहलाती है मशीन खराब बता रहे आप? ये इसमें वेस्ट स्कूल में जी, वेस्ट स्कूल के अंदर, वेस्ट स्कूल चरखी दादरी, पुरानी अनाज मंडी वेस्ट स्कूल के अंदर। देखिए पुरानी अनाज मंडी वेस्ट स्कूल के अंदर मशीन खराब है, ये बता रहे हो 183 नंबर पर्ची है। तो सर मुद्दे क्या रहे आपके, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? हाँ जी, क्या मुद्दों पर वोट करेंगे, क्या चल रहा दिमाग में अभी? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे अपना, हम कांग्रेस नहीं पूछ रहे हैं ना, बीजेपी पूछ रहे हैं हम, क्या क्या मुद्दा मुद्दा क्या है? फैमिली आईडी है, दूसरी ID इनके खिलाफ वोट दे रहे हैं बस, ये फैमिली आईडी वगैरह समस्या, ये बता रहे हैं। सर आपने वोट डाला?
हाँ डाल दिया। तो अंदर वोट पड़ रहा, मशीन खराब है कि नहीं? ना ठीक है, अब ठीक हो गई। तो क्या मुद्दे थे आपके? पहले खराब थी कि नहीं, मैं तो डाल के आ गया जी। देखिए वोट डाल करके आए हैं, दिखा दे हमारे कैमरे पर। तो क्या मुद्दे रहे आपके, किन मुद्दों पर आपने वोट किया? मुद्दा तो देश हित का है जी। हरियाणा हित पे बात हो रही है इस समय, आप देश हित की बात? पूरा देश का, हरियाणा से ही देश निकलेगा जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहीं से गया था मेरा। सब सब यही है जी। तो मुद्दा सब कुछ सही चल रहा? हाँ हरियाणा से ही चलेगा जी, जो कुछ है राजनीति, जो राजनीति है वो हरियाणा चलेगी। तो आप देख रहे हैं हम एक पोलिंग बूथ के जस्ट बाहर हैं चरखी दादरी में, और चरखी दादरी की बात बता दूं तो यहाँ पे कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन पब्लिक को आपने सुना, पब्लिक क्या कुछ मुद्दों पर इस बार वोट करने वाली है। 2024 का हरियाणा इलेक्शन अब अपने अंतिम दौर पर है, दूसरे पहर में हम आ चुके हैं। चरखी दादरी में हमारी मौजूदगी है और पब्लिक ने अपने तमाम वो मुद्दे बताए जिन पर वोट करेगी आज। सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ पर फैमिली आईडी को लेकर बात हुई, महंगाई बेरोजगारी गाड़ी को लेकर बात हुई, और देश हित की भी बात हुई। क्या कुछ होगा ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल चरखी दादरी की जनता को आपने सुना कि किन मुद्दों पर वोट कर रही है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं उषितेज कांत कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।